प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। छाओ प्रस्तुत करती है NCERT ऑडियो बुक्स विद टेक्स्ट एंड पिक्चर्स, विषय हिंदी, कक्षा 9, स्पर्श। नमस्कार, मैं हूं हेमंत रायपुरिया, इस ऑडियो बुक में आपका साथी। छाओ द्वारा पेश किए गए इस ऑडियो बुक को आप बार बार सुनकर सभी शब्दों के सही उच्चारण पर आप काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पढ़ने के सही तरीके पर भी काम कर सकते हैं। भाषा को जानने और समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए अब शुरू करते हैं पाठ 1, दुख का अधिकार, लेखक यशपाल। पाठ शुरू करने से पहले लेखक परिचय। यशपाल, जन्म 1903, मृत्यु 1976। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मानव विश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। तो प्रस्तुत है पाठ दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे,
अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। अभी जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वो यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, है? कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा, है? क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नाग देव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को 2 अन्नी 4 अन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे दलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे, हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वहाँ घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर अगले वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आगे के चैप्टर्स के लिए इस वीडियो के किनारे पर जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक कीजिए और आगे के चैप्टर्स देखिए। मैं हेमंत रायपुरिया आपका साथी, मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।